नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 16 मार्च 2024 की ग्रह स्थिति देखते हैं। मेष राशि में गुरु, उच्च का चंद्रमा वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में, मंगल का प्रवेश कुंभ राशि में हो गया है। वहां पहले से ही शनि और शुक्र बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन खराब है। ये कॉम्बिनेशन पारिवारिक विघटन की तरफ लेके जाएगा, पति पत्नी के रिलेशन को खराब करेगा, अपमानित होने का भय रहेगा और लोगों के आय प्रभावित होंगे इस समय। बाकी उधर सूर्य बुध गुरु का ग्रहण योग चल रहा है, वित्तीय संकट की स्थिति, वित्तीय स्थिति खराब दिख रही है। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सरकारी तंत्र इस समय बहुत साथ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति इस समय फिर से एक बार खराब हो गई है। गुरु संभालेगा, मेष राशि में मित्र क्षत्रिय बैठा है जो कि स्थिति को संभालेगा। चंद्रमा भी एक दो दिन संभाल सकते हैं। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, धन का आवक बढ़ेगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य नरम गरम, प्रेम संतान बहुत खराब, व्यापार लगभग ठीक होगा, सूर्य को जल देते रहे। वृषभ राशि, चमकते हुए सितारे के दिख रहे हैं की तरह दिख रहे हैं। सरकारी तंत्र से पंगेबाजी मत करिएगा। प्रेम संतान मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक है। गणेश जी को प्रणाम करें, हरी वस्तु पास रखें। मिथुन राशि, खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, अज्ञात भय सताएगा, स्वास्थ्य नरम गरम, प्रेम संतान बहुत अच्छा, व्यापार मध्यम रहेगा, सरकारी तंत्र से पंगेबाजी मत करिएगा, काली वस्तु का दान करें। कर्क राशि, आय में आशातीत बढ़ोतरी, यात्रा में लाभ, शुभ समाचार की प्राप्ति, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम संतान बहुत अच्छा, शुभ समय दिख रहा है, लाल वस्तु पास रखें। सिंह राशि, व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम संतान अच्छा, व्यापार अच्छा, सूर्य को जल देते रहे। कन्या राशि, भाग्य साथ देगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, स्वास्थ्य नरम गरम, प्रेम संतान अच्छा, व्यापार अच्छा, हरी वस्तु पास रखें। तुला राशि, जोखिम भरा समय है, कोई रिस्क ना लें, वाहन धीरे चलाएं, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान ठीक ठाक, व्यापार भी ठीक है, काली जी को प्रणाम करते रहें। वृश्चिक राशि, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात संभव है, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार बहुत अच्छा, काली जी को प्रणाम करते रहें। धनुराशि, विरोधी परास्त होंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम संतान बहुत अच्छा, व्यापार भी अच्छा, सफेद वस्तु का दान करें। मकर राशि, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, लिखने पढ़ने में समय व्यतीत करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, सब व्यक्ति के लिए अच्छा होगा, प्रेम में तूतू मैं से बचे, भावनाओं में बह के कोई निर्णय लेने से बचे, बाकी स्थिति आपकी स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सही है, काली जी के शरण में बने रहे, उन्हें प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, भौतिक सुख संपदा में वृद्धि लेकिन गृह कलह भी संभव है, प्रेम संतान मध्यम है, व्यापार ठीक है, हरी वस्तु पास रखें। मीन राशि की स्थिति पराक्रम वाला है, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, व्यवसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी लेकिन स्वास्थ्य बहुत खराब दिख रहा है और सरकारी तंत्र से पंगेबाजी मत करिएगा, पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, तांबे की वस्तु दान करना आपके लिए शुभ होगा। नमस्कार।